मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। 2019 चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। जहां पार्टियों के बीच एक दूसरे को हराने की होड़ लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड और टीवी स्टार्स के बीच भी इस चुनावी जंग में काफी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। कुछ ने राजनीति में कदम रख दिया है तो कुछ की सिर्फ खबरें हैं। इसी लिस्ट में अब बॉलीवुड एक्टर सनी देओल का भी नाम सामने आ रहा है, जो पिछले काफी समय से इस इंडस्ट्री से दूर है। खबरों की माने तो सनी देओल बहुत ही जल्द राजनीति में कदम रखने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सनी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी उन्हें पंजाब के गुरदासपुर सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। हालांकि इस मामले पर अब तक सनी देओल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, उनके फादर धर्मेंद्र भी बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। यहां तक कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी भी बीजेपी में सांसद हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि सनी देओल भी इस बार चुनावी दंगल में कूद सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उनकी पिछली रिलीज कुछ फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा पसंद नहीं किया गया है, तो ऐसे में उनका राजनीति में कदम रखना ठीक होगा या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल सनी इन दिनों अपने बेटे करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास को रिलीज करने की तैयारी में बिजी हैं, जिसे वो खुद डायरेक्ट करेंगे।